हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के महलों को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले हमने याद करे थे दोस्तों राजस्थान के त्यौहार बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से याद करे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप एक बार वीडियो देख लेना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से मेले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर तिथि याद कराऊंगा, ठीक है, कौन सी तिथि को आता है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और ये 12 महीने हैं जो इनके नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों, कौन कौन से, ये चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादु, आसोज, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फागुन, ये जो भी नाम है 12 महीनों के, ये आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको पिछली वीडियो में मैं बताया था कि भाई महीने में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं, कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है महीने की और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के साथ अंत होता है। महीने में कितने 30 दिन होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष चलते हैं, 15 दिन शुक्ल पक्ष चलते हैं। कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसे अमावस्या बोलते हैं और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन आता है वो पूर्णिमा होता है। और पूर्णिमा के बाद फिर से मंथ चेंज हो जाता है, जैसे चैत्र महीने की पूर्णिमा आई तो उसके बाद जैसे ही पूर्णिमा आ गई उसके बाद अगले दिन क्या हो जाएगा, बैसाख लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का ये आपको जो है ये शीट याद होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सारे मेले तो नहीं, करीबन 30-35 मेले जो है मैं आपको इस वीडियो में याद कराने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला है दोस्तों बादशाह मेला, कहाँ भरता है, ब्यावर के अंदर भरता है, जहां पर बीरबल द्वारा जो है नृत्य किया जाता है, जैसे भैरव नृत्य और दो तीन नृत्य, मयूर नृत्य, कुछ नृत्य जो है ये बोलते हैं, तो बीरबल के द्वारा नृत्य किया जाता है और टोडरमल की सवारी निकलती है। खैर, बादशाह मेला भरता है दोस्तों चैत्र कृष्ण एकम को। तो चैत्र कृष्ण एकम को कैसे ध्यान रखेंगे, देखो बादशाह कितने होते हैं, राज्य का बादशाह होता है एक। जैसे मान लीजिए हमारे पीएम मोदी जो हैं वो हमारे देश के क्या है, बादशाह हैं। तो बादशाह क्या होता है, एक। तो एक अब वो पूरे देश का क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, किस लिए, ताकि प्रजा कैसी है, प्रजा कष्ट में तो नहीं है, तो उसका ध्यान रखते, तो पूरे चक्कर लगाते रहते हैं देश का, है ना। तो चक्कर से ध्यान रखना चैत्र, और कष्ट में तो नहीं है कहीं प्रजा, इसलिए चक्कर लगाते हैं। तो बादशाह क्या है दोस्तों, पूरे हमारे राज्य का चक्कर लगाता रहता है, क्यों, ताकि प्रजा का कष्ट जान सके। और बादशाह जो होता है दोस्तों वो एक होता है, तो हो जाएगा चैत्र कृष्ण एकम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा शीतला माता मेला, शीतलाष्टमी को भरता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला भरता है। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जयपुर के अंदर है इसका मंदिर जो है, मेन जो मंदिर है जहां मेला ये भरता है, चाकसू के अंदर भरता है, चाकसू जयपुर के अंदर, कहां भरता है, चाकसू जयपुर के अंदर ये मेला भरता है। तो चाकसू से ही हम ध्यान रखेंगे, चैसे चैत्र और कैसे कृष्ण पक्ष, तो चैत्र और कृष्ण पक्ष यहां से हमको याद हो जाते हैं, क्योंकि मेला कहाँ भरता है, चाकसू जयपुर के अंदर भरता है। या फिर ऐसे ध्यान रख लेना, शीतला जी को जो है क्या पसंद है, चीकू पसंद है, तो चैत्र और कृष्ण भी याद हो जाएगा। बाकी शीतला अष्टमी तो फेमस है ही, तो अष्टमी से आप ध्यान रख सकते हो कि भाई चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला भरता है। तीसरा है जौहर मेला, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर भरता है, इसकी डेट हम कैसे ध्यान रखेंगे, चैत्र कृष्ण 11 को ये मेला भरता है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर जहर से नहीं मरता है तो चाकू का प्रयोग करके देख लो, चाकू, है ना, कोई व्यक्ति अगर जहर से नहीं मरा है, जहर यानी जौहर और चाकू से चैत्र और कृष्ण, ठीक है, तो चैत्र और कृष्ण यहाँ पर याद हो जाता है, 11 कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है 11 को याद करना, ठीक है। तो चैत्र कृष्ण 11 को जौहर मेला भरता है। ट्रिक कैसी लगती है दोस्तों, आपको याद हुई भी या नहीं हुई वो एक बार जरूर बता देना, ठीक है। घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा के अंदर भरता है, चैत्र अमावस्या को ये मेला भरता है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, सिंपल सा इसी को पढ़ लो, देखो घटिया आम चाहिए, ऐसे और लिख दो, घटिया आम चाहिए, चाहिए से ध्यान रखना चैत्र और आम चाहिए ना, घटिया आम, तो आम से क्या ध्यान रखोगे, अमावस्या, ठीक है, घटिया आम चाहिए। घोटिया अंबा मेला कहाँ भरता है, बांसवाड़ा के अंदर भरता है। नेक्स्ट है सालासर और मेहंदीपुर बालाजी, तो सालासर जो है चूरू के अंदर और मेहंदीपुर जो है दौसा के अंदर है, लेकिन एक ही दिनांक को मेला भरता है, चैत्र पूर्णिमा को ये मेला भरता है। तो कैसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, बालाजी के सामने सब क्या चुप हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास जो है घोटा है ना, बालाजी का घोटा, गदा जो है उससे सब डरते हैं, इसलिए बालाजी के सामने सब क्या रहते हैं, चुप। तो अपन चैत्र ध्यान रख लेंगे, चैत्र और पैसे पूर्णिमा, ठीक है, तो चैत्र पूर्णिमा को ये मेला भरता है। बाबूजी का मेला ये भरता है दोस्तों चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को कहाँ भरता है, कोल्लू जोधपुर के अंदर ये मेला भरता है, बाबूजी का मेला। तो देखो गणेश जी ने क्या कर रखा है, बीएससी कर रखा है ना, आगे हम मेला पढ़ेंगे गणेश जी का भी, और बाबूजी ने भी कुछ कर रखा है क्या, तो बाबूजी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाबूजी ने सीए कर रखा है, तो चैत्र अमावस्या, बाबूजी ने क्या कर रखा है, सीए कर रखा है, तो चैत्र अमावस्या को मेला भरता है।
सिंपल से ट्रिक है दोस्तों, आप एक बार ये देखोगे वीडियो और या फिर मेरी आवाज भी थोड़ा सा अच्छे से सुनते रहोगे आप, कॉन्सेंट्रेट होके, तो आपको मेले याद हो जाएंगे। सहाबा का मेला तो ये भरता है श्रावण माह के अंदर, श्रावण अमावस्या को ये मेला भरता है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, साहब जी क्षमा कर दो, मान लो किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया आपको, तो क्षमा कर दो, साहब जी क्षमा कर दो, अगली बार नहीं करूंगा गलती, साहब जी क्षमा कर दो। तो समझ गए होंगे आप, शय से तो क्या अपना श्रावण और क्षमा, तो संधि विच्छेद करेंगे तो अमा की आवाज भी आ रही है आपको, क्षमा अमा, तो अमा से अमावस्या हो जाएगा, ठीक है। तो श्रावण अमावस्या को मेला भरता है, सहाबा का मेला सिखों का सबसे बड़ा मेला, चूरू के अंदर ये मेला भरता है। गणेश जी का मेला अभी बताया था मैंने, बीएससी कर रखे गणेश जी ने, तो क्या आएगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये मेला भरता है। गणेश जी ने क्या कर रखी है, बीएससी कर रखी है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रामदेवरा मेला, तो जब हम राम राम बोलते तो क्या है, राम राम बोलना शुभ रहता है, गुड मॉर्निंग भी बोलते ना, तो वैसे ही राम राम बोलना क्या होता है, शुभ होता है। तो शुभ से ध्यान रखेंगे, भादवे के अंदर मेला भरता है, ये देखो ये हमारा शु और ये हमारा भा, तो शुभ से हो गया शुक्ल पक्ष और भा से हो गया भाद्रपद। एकादशी तक ये मेला चलता है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज, यानी द्वितीया को जो है ये मेला शुरू होता है और कब तक चलता है, 11 तक ये मेला चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों कजली तीज का मेला, तो मैंने आपको कैसे याद कराया था पिछली वीडियो में बताया था कि काजल क्या है, भौकती है, भौकती, ठीक है। तो भौकती से समझ गए होंगे भाद्रपद और कृष्ण और तीज मतलब तृतीया, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मेला भरता है कजली तीज का, ठीक है। चलिए ट्रिक्स दोस्तों पसंद आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। महावीर मेला, तो महावीर मेला कहाँ भरता है दोस्तों, करौली के अंदर भरता है ये मेला, जैन समाज का प्रसिद्ध मेला है महावीर मेला, जो कि कब भरता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर बेशाख कृष्ण द्वितीया तक ये मेला भरता है, यानी 13 फिर 14 फिर ये आ जाएगा 15वां दिन। 15वां दिन क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष का, ये कहलाता है दोस्तों पूर्णिमा, तो यहाँ पर आ जाती है पूर्णिमा, उसके बाद एकम और ये द्वितीया, यानी करीबन 5 दिन ये मेला भरता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बेशाख कृष्ण द्वितीया को ये मेला भरता है। तो कैसे याद रखेंगे कि महान वीरों को क्या चाहिए, त्रिशूल चाहिए, अब बेकार हो या सही उससे कोई लेना देना नहीं, महान वीर महावीर, महान वीरों को क्या चाहिए दोस्तों, त्रिशूल चाहिए। फोटो में देखा भी होगा आपने बहुत सारे महान वीरों को त्रिशूल के साथ, अब वो बेकार हो या सही हो वो उनकी ऊपर है किस तरीके से वो उपयोग में लेंगे, ठीक है। तो महान वीरों को क्या चाहिए, त्रिशूल, तो त्रि से ध्यान रख लेना त्रयोदशी और शूल से ध्यान रख लेना शुक्ल पक्ष और चाहिए तो चैत्र महीना आ गया, ठीक है। महान वीरों को क्या चाहिए, त्रिशूल चाहिए, चाहिए से चैत्र पक्ष, शूल से शुक्ल आ जाएगा, सॉरी चैत्र से महीना और शुक्ल से शुक्ल पक्ष और त्रि से त्रयोदशी, बेकार से समझ गए होंगे, बे से बेशाख और कार से कृष्ण पक्ष आ जाएगा और द्वितीया तक ये मेला भरता है। चलिए नेक्स्ट है फूल डोल मेला, शाहपुरा के अंदर भरता है, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित ये मेला है, तो चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक ये मेला भरता है। कैसे याद रखेंगे, देखो फूलों की डोली, शादी में देखी होगी आपने कितनी होती है, एक होती है, ऐसे ध्यान रखना फूलों की डोली होती है एक, और फूलों की डोली को क्या है, पहले उपयोग में लेने से पहले चेक कर लो, क्योंकि दुल्हन बैठेगी ना उसमें और कहीं फूलों की जो डोली है टूट गई कर गई तो इंसल्ट हो सकती है, तो पहले चेक कर लो। तो कैसे अपना चैत्र पक्ष, चैत्र महीना आ गया और कैसे कृष्ण पक्ष आ गया, तो फूलों की डोली क्या करनी है आपको, चेक करनी है, ठीक है। और डोली कितनी रहेगी, एक, अब एक जना उठाएगा क्या उसको, डोली एक होती है तो एकम से मेला शुरू होता है, कितने लोग लगेंगे, 5 लोग लगेंगे फूलों की डोली उठाने में, तो चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक ये मेला भरता है। आया समझ में, वापस रिपीट करूं, देखो महान वीर को क्या चाहिए, त्रिशूल चाहिए, बेकार हो या सही कोई दिक्कत नहीं, तो त्रिशूल से देखो त्रयोदशी आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया और चाहिए से चैत्र आ गया, बेकार से बेशाक और कार से कृष्ण आ गया, ठीक है। फूल डोल मेला, फूलों की डोली कहाँ होती है, शादी के अंदर होती है, दुल्हन को लेकर जाया जाता है फूलों की डोली के अंदर, तो पहले चेक कर लो उससे पहले कि दुल्हन को उसमें बिठाकर लेकर जाए, तो चैत्र कृष्ण पक्ष आ जाता है और फूलों की डोली होती है एक, तो एकम, ठीक है, 5 जने उठाएंगे तो पंचमी तक ये मेला चलता है। गणगौर मेला, अरे यार गणगौर तू तो एकदम चश्मे में गणगौर लगती है, तू तो एकदम चश्मे में गणगौर लगती है, ठीक है, तो चश्मे में तू गणगौर लगती है, तो चश्मा समझ गए आप, चे से चैत्र और शय से शुक्ल पक्ष और तू से तृतीया, ठीक है, चश्मे में तू एकदम गणगौर लगती है। सीता माता मेला और सीता बाड़ी का मेला दोनों साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। तो सिंपल सा एक वर्ड देता हूं आपको, सीता माता के पास जाओ,
कोई भी समस्या है कहाँ जाओ, सीता माता के पास जाओ, ज्येष्ठ और अमावस्या। दूसरा क्या लॉजिक है, देखो सीता माता का मेला तो प्रतापगढ़ में भरता है और सीताबाड़ी का भरता है बारा जिले के अंदर भरता है, ठीक है। एक और कैसे ध्यान रखेंगे, देखो राम सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है, यानी कि क्या थे, ज्येष्ठ, सबसे बड़े बेटे थे, है ना, दशरथ जी के। तो सीता जो है सबसे ज्येष्ठ बहू थी, आया समझ में, तो ज्येष्ठ ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला भरता है, ठीक है। सीता माता जो है सबसे बड़ी थी चारों बहुओं के अंदर, तो ज्येष्ठ थी, बड़ा मतलब ज्येष्ठ, तो ध्यान रख लेना ज्येष्ठ महीने में ये मेला भरता है, और कब भरता है, अमावस्या को। चलिए आगे बढ़ते हैं, मातृ कुंडिया मेला, तो माता के लिए कुंडल कौन लेकर आएगा, बापू लेके आएगा, कौन लेकर आएगा, बापू, बापू से समझ गया, बैशाख और पूर्णिमा, तो बैशाख पूर्णिमा को ये मेला भरता है, मातृ कुंडिया का मेला कहाँ भरता है, चित्तौड़ के अंदर भरता है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। सांवलिया जी का मेला, ये भी चित्तौड़ के अंदर भरता है सांवलिया जी का मेला, इसको कैसे ध्यान रखा है, देखो सांवलिया अपने लगन आता है ना, तो लगन को क्या बोलता है, बोले सावा आया है, किसी के घर आपकी मान लो शादी वादी है तो क्या सावा आएगा, तो सावा आना क्या रहता है, शुभ रहता है, शुभ रहता है, शुभ रहता है, तो समझ गए होंगे आप कि हमारा शुभ जब भी वर्ड आएगा तो भय से भादवा और शु से शुक्ल पक्ष आता है, तो भादवे का महीना के अंदर ये मेला भरेगा, और पक्ष पूछ लो तो शुक्ल पक्ष के अंदर मेला भरेगा, ठीक है, और बाकी कब भरेगा ये आगे 11, तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाद्र शुक्ल 11 को ये मेला भरता है, किसका, सांवलिया जी का। हाँ ऐसे याद रख सकते हैं ना, देखो सावा आता है ना तो किसी के एक महीने का आता है, ठीक है, और किसी के 21 दिन का आता है, तो यहाँ पर जो सावा आया है वो कितने दिन का आया, 11 दिन का आया है सावा, जो कि बहुत ही शुभ सावा है, ठीक है। तो 11 भी याद हो गई हमको, शुक्ल पक्ष भी याद हो गया और महीना भातवा भी याद हो गया, ठीक है। चित्तौड़ के अंदर ये मेला भरता है, जिसे अफीम मंदिर भी कहा जाता है। भोजन थाली मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो थाली में भोजन करने आ रहे हैं दोस्तों आपके घर कौन, पंच लोग आ रहे हैं, इसलिए थाली एकदम साफ रखना, इतनी साफ रखना कि उनकी शक्ल भी दिख जाए, और बाकी भोजन से आप भय से ध्यान रख लेना कि भाई भादवे में ये मेला भरता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक भोज मेला भी है ना, जो कि कहाँ भरता है, आसींद भीलवाड़ा के अंदर, तो भोज मेला कहाँ भरता है, भय से भोज, भय से भीलवाड़ा, ठीक है। और यहाँ पे भोजन थाली मेला आ रहा है, तो इसमें भी भोज आ रहा है, ठीक है, भोजन में भी, तो ये भी भय से भरतपुर हो जाएगा, सॉरी भोज मेला जो है दोस्तों, हाँ भोजन थाली मेला भरतपुर के अंदर ही भरता है, ये सवाई भोज मेला है जो भीलवाड़ा के अंदर भरता है आसींद के अंदर, ठीक है, ये सवाई भोज मेला। तो मैं तो आपको ये याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो भोज आ रहा है, भोजन आ रहा है, तो यहाँ दोनों में भी भैसे ये जिला भी, ठीक है, भोज जो है सवाई भोज मेला भीलवाड़ा के अंदर भरता है, और यहाँ पे भोजन जो है भोजन थाली मेला ये भरतपुर के अंदर भरता है। खैर यहाँ पर आप ध्यान रखना कि कौन आ रहा है भोजन, हमको भोजन किनको कराना है, पंचों को कराना है, ठीक है। तो थाली एकदम क्या होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए, जिनसे उनकी शक्ल भी थाली के अंदर वो देख सके, इतनी क्लियर होनी चाहिए, और भय से भोजन और भय से भाद्रपद, तो तीनों चीजें हमको यहाँ से कनेक्ट हो गई है, ठीक है। खेजड़ली का मेला कब भरता है, तो खेजड़ी जो हमारे राजस्थान में क्या मानी जाती है, शुभ मानी जाती है, फिर से शुभ आ गया, मतलब भादवे का महीना होगा और पक्ष जो है शुक्ल होगा, ठीक है, और दशमी को ये मेला भरता है, तो भाद्र शुक्ल दशमी को मेला भरता है, कौन सा, खेजड़ली का मेला, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते कपिल धारा का मेला, तो कपिल धारा और कपिल मुनि का मेला एक ही दिन भरता है, और वो है कार्तिक पूर्णिमा। तो कपिल वाला अगर नाटक आपने देखा होगा, तो वो जो बुआ रहती है ना, बुआ का जो रोल करती है वो कप्पू बोलती है, कपिल को क्या बोलती है, कप्पू बेटा कप्पू, तो कपिल को क्या बोलते हैं, बेटा कप्पू, कप्पू भी बोलते हैं ना, तो कैसे कार्तिक और पू से पूर्णिमा, ठीक है। तो कपिल मुनि का मेला और कपिल धारा का मेला कहाँ भरता है, तो कपिल मुनि का तो मेला भरता है दोस्तों कोलायत बीकानेर के अंदर, ठीक है, कोलायत बीकानेर के अंदर, और कपिल धारा का जो मेला है ये भरता है बारा जिले के अंदर, पर दोनों एक ही दिन भरते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला भी भरता है, क्योंकि जो कपिल मुनि का संबंध है दोस्तों वो अजमेर पुष्कर से भी है। तेजाजी का मेला, तो तेजाजी की घोड़ी तो इतनी तेज भागती है ना दोस्तों, इतनी तेज भागती है कि तेजाजी की शक्ल भी नहीं दिखती है, इतनी तेज भागती है, तो भागती से ध्यान रखना भाद्रपद, और शक्ल भी नहीं दिखती, तो शक्ल से शुक्ल पक्ष, तो भाद्रपद महीना हो गया और शुक्ल पक्ष हो गया, और दशमी को ये मेला भरता है, तो भादवे की शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला भरता है। लोहारगढ़ मेला, तो लोहा दोस्तों भारी होता है या हल्का होता है, भारी होता है, और गल, गल यानी लड़की, तो आम लड़की के बस की बात नहीं है लोहे को उठाना, हालांकि लड़कियां तो उठाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हमको यहाँ याद करना है तो याद करना पड़ेगा, तो भारी से तो देखो भादवा आ जाएगा, ठीक है, और आम लड़की भी नहीं उठा सकती, थोड़ी हट्टी कट्टी होनी चाहिए, तो आम से ध्यान रखो आप अमावस्या, तो भादवे की अमावस्या को ये मेला
भरता है, कौन सा? लोहारगढ़ मेला। तो जैसे ही लोहारगढ़ आएगा झुंझुनू के अंदर भरता है, और लोहा क्या होता है? भारी होता है, तो भारी से भातप्रत कोई आम लड़की नहीं उठाती। गल आ रहा है ना, गल यानी लड़की, तो आम लड़की नहीं उठा सकती इसे, आम गल। ठीक है, तो अमावस्या। नेक्स्ट है नाकोड़ा जी का मेला। तो मैंने तो इसको ऐसे याद रखा, नाकोड़ा पकोड़ा, नाकोड़ा पकोड़ा, बस जैसे नाकोड़ा वड़ा है पकोड़ा करता है, नाकोड़ा पकोड़ा। तो पै से क्या आ जाएगा? पोष, कैसे? कृष्ण पक्ष, और डा से मैंने ऐसे कर लिया कि ये दशमी, दा दशमी। ठीक है, चलिए ठीक है, आ गया पकोड़ा, ये प क और द, पकोड़ा ऐसे कर दिया मैंने, नाकोड़ा पकोड़ा। ओके, ऐसे बोलो दो तीन बार, नाकोड़ा पकोड़ा याद हो जाएगा। शिवरात्रि मेला, तो शिव जी को क्या है? सबकी फिक्र है, शिव जी को सबकी क्या है? फिक्र है, तेरी भी और मेरी भी। तो शिवरात्रि का जो मेला है वो फाल्गुन के अंदर कृष्ण पक्ष की 13 को भरता है। ठीक है, शिव जी को क्या है? सबकी फिक्र, फिक्र ठीक है, फी और क्र, तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष और तेरी भी और मेरी भी, तो तेरी से 13 ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है चननी चेरी मेला। तो चेरी दोस्तों आपने देखी होगी बहुत ही मीठी होती है, तो हम मान के चल रहे चेरी क्या है? एक बहुत ही मीठा फल होता है। क्या होता है? फल होता है। ठीक है, चेरी जो होता है एक बहुत ही मीठा फल होता है, बस ऐसे ध्यान रखना। तो फाल्गुन आपको महीना मिल जाएगा, बाकी फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को ये मेला भरता है। शुक्ल पक्ष को अपन ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि भाई चेरी जो होती है वो शक्कर की तरह मीठी होती है। ठीक है, चेरी जो है क्या? एक फल है जो कि शक्कर की तरह एकदम मीठा होता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, शक्कर से शुक्ल पक्ष भी ध्यान रह जाएगा और चेरी क्या है? फल, तो फाल्गुन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुइया मेला, तो सुइया मेले को अपने गाना सुना होगा, पों 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 पों, है ना, अजय देवगन वाला वो गाना। खैर, सुइया जो मेला, तो दोस्तों किसी बच्चे के अगर सुई चुभ जाती है तो उसको क्या है? पौ निकल जाती है। ऐसे ध्यान रखना, किसी के सुई चुभ गई तो क्या है? उसकी पौ निकल गई, फिर वो क्या चिल्लाएगा? अम्मी अम्मी। ठीक है, सुई किसी की चुभ गई तो क्या होती है? पौ निकल जाती है और वो अपनी अम्मा को याद करने लग जाता है। तो पोष अमावस्या को ये मेला भरता है। थोड़ी फनी ट्रिक है दोस्तों, लेकिन याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई आगे? मनखारो मेलो, यानी मनुष्यों का मेला। ऐसे ध्यान रखें, मनखारो मेलो, मनक किसको बोलते हैं? मनुष्य को बोलते हैं। तो मनखारो मेलो, और आज का मनक ने कई दिक्कत है, ये मनखारो मेलो इसलिए चालू किया गया है कि जो भी मनक है उनको आजकल फोटो खिंचाने का बहुत शौक हो गया है। ठीक है, तो फोटो मतलब चित्र खिंचाने का शौक हो गया है, अलग अलग शक्लें बना के। तो मनक को क्या है आजकल? मनखों को क्या शौक हो गया है? चित्र यानी फोटो खिंचाने का, अलग अलग शक्लें बना के। तो चैत्र महीने के अंदर ये मेला भरता है, यानी चित्र, और शुक्ल यानी शक्ल से, यानी शुक्ल पक्ष। ठीक है, और तृतीया को ये मेला भरता है। मनखारो मेलो चैत्र शुक्ल तृतीया को ये मेला भरता है। कहाँ भरता है? सिरोही के अंदर ये मेला भरता है। नेक्स्ट है डिग्गी कल्याण मेला। कहाँ भरता है दोस्तों डिग्गी कल्याण मेला? मालपुरा टोंक के अंदर ये मेला भरता है। कब कब भरता है? श्रावण और भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष की ये 11 को ये मेला भरता है, यानी पूरा श्रावण माह में भी चलता है ये, और उसके बाद भाद्रव के अंदर भी आता है शुक्ल पक्ष की 11 को। तो हम दोनों महीने याद रखने की कोशिश करते हैं, श्रावण और भाद्रव दोनों याद करने की कोशिश करते हैं कि डिग्गी कल्याण मेला। तो यहाँ पर कल्याण जो होता है वो किसी एक का नहीं होता, यानी शक्ल देख के नहीं होता, किसी एक का नहीं होता, सबका ही होता है। यहाँ पर 11 को कैसे याद रखेंगे? देखो ग क्या हुआ ये, तो यहां से ध्यान रखें, ये 11 है ना, तो गय से ध्यान रखेंगे 11, देखो दो बार गया गया तो 11 है। ठीक है, तो 11 को ये मेला भरेगा डिग्गी कल्याण मेला। और यहाँ पर जो कल्याण होता है वो किसी एक का नहीं होता है, सभी का होता है। शक्ल देखकर कल्याण नहीं किया जाता है, यहाँ जो भी आ रहा है सभी का कल्याण होगा। तो सह से श्रावण और भय से भादवा, और शक्ल देखकर नहीं होता है, सभी का कल्याण होता है शक्ल से शुक्ल पक्ष। ठीक है, सह से श्रावण भय से भादवा, और गय यहाँ पर आ ही रहा है तो 11। ठीक है, दो बार गया गया इसके अंदर। आया दोस्तों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। खाटू श्याम मेला, खाटू श्याम मेला कहाँ भरता है दोस्तों? सीकर जिले के अंदर ये मेला भरता है। कब भरता है? फाल्गुन शुक्ल की एकादशी और द्वादशी को। तो मान लो कोई चीज आपने खट्टी चीज खा ली, फॉर एग्जाम्पल नींबू, नींबू आप खाकर देखो, देखो फिर अपने को अपने इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो कोई भी आपने खट्टी चीज खा ली है तो फिर एकदम से क्या होगा? खट्टा फल करते हैं यहाँ पे, ताकि हमको फाल्गुन जाए। कोई भी आपने खट्टा फल खाया है, कोई भी आपने खट्टा फल खाया, तो एकदम से आपकी शक्ल के हाव भाव क्या है? बदल जाएंगे, शक्ल की 12 बज जाएगी एकदम से। चलो पूरा हम याद करने की कोशिश करते हैं, ये वापस से लिखता हूं। देखो खट्टा आपने अगर फल खाया है तो क्या होगा? एकदम से आपकी शक्ल की 12 बज जाएगी।
ठीक है, एकदम से आपने क्या खाया, खट्टा फल, खट्टा से खाटू, फल से फाल्गुन। एकदम से ध्यान रखना, एकादशी शकल की 12 बज जाएगी, तो शकल शुक्ल पक्ष और 12 यानी द्वादशी बोलते हैं 12 को, ठीक है। खट्टा फल खाते क्या होता है, शकल की 12 बज जाती है, ऐसे ध्यान रख लो ना, तो द्वादशी तो याद रह जाएगी, एकादशी को भी ले आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, खट्टा फल खाते ही शकल की 12 बज जाती है। चलिए, ढींगा गंवर मेला या बेंत मार मेला, तो बेटे को मार क्यों पड़ेगी, बेटे को मार इसलिए पड़ेगी क्योंकि उसका वक्त खराब चल रहा है। क्या है, वक्त खराब चल रहा है, तो बेशक को आप वेशाख भी लिख सकते हो, ठीक है, तो वक्त खराब चल रहा था, ये लो हमारा तीनों ही चीज आ गई, वैसे वैशाख कैसे कृष्ण पक्ष और तैसे तृतीया, ये जोधपुर के अंदर भरता है और वैसे उदयपुर के अंदर भी ये मेला भरता है। तो ढींगा गंवर या बेंत मार मेला, तो बेंत मार से हम ध्यान रख लें, बेटे को मार इसलिए पड़ेगी क्योंकि उसका वक्त ही खराब चल रहा है, करी होगी कोई गलती इसलिए, तो वक्त से वैशाख कृष्ण और तृतीया तीनों आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट है मानगढ़ धाम मेला, तो ये लास्ट मेला है हमारे वीडियो का, मानगढ़ धाम मेला, तो मानगढ़ का आंसर इसमें माँ से मिलेगा हमको, मार्गशीर्ष और पूर्णिमा, तो मानगढ़ धाम का मेला जो रास्ता है मानगढ़ जाने का मार्ग, मानगढ़ जाने का मार्ग किसको पता है, पूनम को पता है, मानगढ़ जाने का मार्ग जो है किसको पता है, पूनम को पता है, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये मेला भरता है। अच्छा, एक और है नागपंचमी मेला, नागपंचमी मेला भरता है श्रावण शुक्ल पंचमी को, तो चलिए इसके अंदर हम महीने को तो याद कर ही लेते हैं कम से कम, नाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, सांप, क्या बोलते हैं, सांप, सांप से ध्यान रख लेना श्रावण, ठीक है, और सांप को देख के तो अच्छा, चूंकि शक्ल पे 12 बज जाती है, लेकिन शक्ल 12 मत बजाना आप, यहाँ पे तो केवल श्रावण याद रख लेना, श्रावण शुक्ल पंचमी, वैसे तो नागपंचमी आएगा तो पंचमी तो यहाँ पर ही मिल रहा है, और शक्ल के हाव भाव बदल जाते हैं, ऐसे ध्यान रख लेना आप, तो जैसे सांप को देखते हैं तो लोगों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं ना, तो सांप को देखते चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं शक्ल के, ठीक है, तो सांप से श्रावण और शक्ल से शुक्ल, ठीक है, और पंचमी तो साथ में आ ही रहा है नागपंचमी में, याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ये था मैं अपने मेलों का वीडियो, एक बार रिवीजन करा देता हूँ फटाफट, जिसने देख लिया वो वीडियो क्लोज कर सकता है, और जो रिवीजन करना चाहता है वो एक बार रिवीजन कर ले मैं साथ में, ठीक है फटाफट। तो बादशाह मेला दोस्तों, बादशाह क्या होता है, एक होता है और पूरे राज्य का चक्कर लगाता है ताकि प्रजा कष्ट में तो नहीं है ये बात जान सके, ठीक है, तो चक्कर से चैत्र और कष्ट से कृष्ण, और एक होता है तो चैत्र कृष्ण एकम। शीतला माता का मेला चाकसू के अंदर भरता है, तो चार से चैत्र और कै से कृष्ण और अष्टमी को ये मेला भरता है। जहर से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो चाकू का इस्तेमाल करो, ठीक है, तो चाकू चैत्र और कृष्ण आ जाए, और 11 को ये मेला भरता है चैत्र कृष्ण 11 को। घोटिया अंबा मेला, तो घटिया आम चाहिए, क्या चाहिए, घटिया आम चाहिए, तो आम से अमावस्या और चाहिए से चैत्र। सालासर और मेहंदीपुर बालाजी, तो बालाजी के सामने क्या रहते हैं, सब चुप रहते हैं, तो चैत्र पूर्णिमा को ये मेला भरता है। बाबूजी ने क्या किया है, सीए किया है, तो चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। साहब जी क्षमा कर दो, तो श्रावण अमावस्या को मेला भरता है। गणेश जी ने बीएससी कर रखा है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। राम राम बोलना क्या रहता है, शुभ रहता है, तो शुभ से शुक्ल पक्ष और भैसे भादवा और शुक्ल द्वितीया से मेला शुरू होता है, भादवे की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला चलता है। काजल बहुत भोगती है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट महावीर जी का मेला, तो महानवीर को क्या चाहिए, त्रिशूल चाहिए, चाहे बेकार हो चाहे सही कोई दिक्कत नहीं, तो त्रि से त्रयोदशी और शूल से शुक्ल पक्ष और चाहिए से चैत्र, बेकार से बेशाक और ककार से कृष्ण पक्ष। फूल डोल मेला, फूलों की डोली होती है, उसको चेक कर लो पहले दुल्हन को बिठाने से पहले, तो चैत्र कृष्ण और एक होती है, ठीक, और पांच जने मिलकर उठाएंगे। गणगौर मेला, यार तू तो गणगौर लगती है चश्मे के अंदर, तो चश्मे में चैत्र और शुक्ल पक्ष और तू से तृतीया। सीता माता के पास जाओ, सीता जो माता थी वो क्या थी, सबसे ज्येष्ठ बहू थी, तो ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है। माता के कुंडल कौन लेके आएगा, बापू लेके आएगा, तो बेशाक और पूर्णिमा को ये मेला भरता है। सांवलिया जी का मेला, सावा जो आता है वो शुभ रहता है, और 11 दिन का सावा आया है, तो शुभ से शु से शुक्ल और भादवा आज गया, ठीक है, और 11 से 11। भोजन थाली मेला, पंच आएंगे, ठीक है, भोजन करने आपके घर पे, तो थाली एकदम साफ होनी चाहिए, शक्ल दिख जाए, और भैसे भोजन और भैसे भादवा। खेजड़ली मेला, राजस्थान में खेजड़ी क्या मानी जाती है, शुभ, ठीक है, शुक्ल पक्ष आगे और भादवा आगे, और दशमी को यह मेला भरता है। नेक्स्ट है कपिल धारा का मेला और कपिल मुनि का मेला, तो कपिल को क्या बोलते हैं, प्यार से कप्पू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कप्पू, तो कार्तिक पूर्णिमा। तेजाजी की घोड़ी बहुत तेज भागती है, लीलन इतनी तेज भागती है कि तेजाजी की शक्ल भी नहीं दिखती, तो भाद पर शुक्ल दशमी को मेला भरता है। लोहालगढ़ मेला, तो लोहा क्या होता है, भारी होता है, किसी आम लड़की के बस की बात नहीं कि वो उसे उठा ले। नाकोड़ा पकोड़ा, ठीक है, पकोड़ा, पोष कृष्ण दशमी, शिवरात्रि, शिव जी को सबकी क्या है, फिक्र है, मेरी भी और तेरी भी, फिक्र, फी से फाल्गुन, कर से कृष्ण पक्ष और तेरी से तेरस। चननी चेरी मेला, तो चेरी क्या है, मीठा फल है,
मीठा, फल है शक्कर की तरह, तो फाल्गुन और शुक्ल पक्ष याद हो जाएगा। सुइया मेला, सुई चुभते क्या बच्चे की पौ निकल जाती है और वो अम्मी अम्मी चिल्लाने लगता है, तो अम्मी से अमावस्या और पौ से पोष। मनखारो मेलो, आजकल मनकों को क्या है फोटो खिंचाने का शौक ज्यादा हो गया अलग अलग शक्लें बनाकर, तो फोटो यानी चित्र और शक्ल से शुक्ल पक्ष आ गया, ठीक है चैत्र हो गया। डिग्गी कल्याण मेला, तो गै से 11, कल्याण किसका होता है सभी का, तो सह से श्रावण और भय से भादवा। नेक्स्ट क्या है, खाटू श्याम जी का मेला, तो कोई भी खट्टा फल खाओगे आप तो आपकी शक्ल की एकदम क्या है 12 बज जाएगी, तो खट्टा फल खाने से शक्ल की 12 बज जाती है, ठीक है। धींगा कंवर बेतवान मेला, तो बेटे को मार पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसका वक्त सही नहीं है। वैसे वैशाख, कैसे कृष्ण, तैसे तृतीया। मानगढ़ धाम जाने का जो मार्ग है वो पूनम को पता है, मार्ग से मार्गशीर्ष और पूनम से पूर्णिमा। नाग पंचमा, नाग को क्या बोलते हैं सांप भी बोलते हैं, तो सावन महीना आपको ध्यान रह जाएगा। तो दोस्तों ये था मेलों का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना, कहीं कोई तिथि में भी अगर आपको पता लगता है कि भाई गलती है तो हम उसको कमेंट को पिन कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।